दोस्तों, आ गए फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं आई फ्लू के बारे में, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से आज फैल रहा है, और इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। आई फ्लू को हम कौन बोलचाल के भाषा में हम लोग आँख आना भी बोलते हैं, इसके अलावा मेडिकल टर्म्स में आपको कंजक्टिवाइटिस भी बोला जाता है, इसके साथ ही पिंक आई भी बोलते हैं कहीं कहीं। देखा गया है कि जब बारिश होता है, बाढ़ के टाइम आता है, तब जाके इसका प्रचलन बढ़ जाता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है और इसका वायरस तभी जाके एक्टिव होता है जब इसका एनवायरनमेंट मिलता है, जिसमें बाढ़ आना और आपका बारिश होना, उस टाइम इसका एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा तरीके से मिलता है, और उस टाइम देखा जाता है कि हर घर में लगभग लगभग एक दो पेशेंट मिल ही जाते हैं आपका आई फ्लू का। दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक यह एक ऐसा बीमारी है जो कि सीधे संपर्क में आने से होता है, और जब आप सीधे संपर्क में किसी व्यक्ति के आते हैं तो बहुत ही फास्ट तरीके से फैलने का काम करता है। जैसे मैं पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा आप जिस व्यक्ति को आप आई फ्लू हुआ है उसके संपर्क में आप आ रहे हैं, आपको भी होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों, इस बीमारी के चपेट में आप आ रहे हैं तो कुछ इसका कॉमन लक्षण भी है, जैसे में आँख लाल होना, आँख से ज़्यादा पानी आना, आँख में ज़्यादा आंसू आना, इसके अलावा आपका आँख में आपका रेडनेस काफ़ी मात्रा में होने लगता है, आपके आँख में खुजली भी होने लगता है, और इसके अलावा भी देखा गया है कि आपका आँख स्वेलिंग कर जाता है। ये सब बहुत ही कॉमन लक्षण है आपका आई फ्लू का और आँख आने का। अभी तक दोस्तों इस वीडियो का आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और इस दुनिया को भी हम लोग स्वस्थ बनाए रखें। यदि दोस्तों आपको आई फ्लू हो गया है और आपके आँख में जलन हो रहा है, इसके अलावा आपको दर्द भी महसूस हो रहा है, तो कुछ हम उपाय बता रहे हैं जो कि आपको करने से काफ़ी राहत मिलेगा और आई फ्लू ठीक भी हो सकता है। जैसे में हर दिन आपको 5 से 6 बार ठंडे पानी से आपके अपने आँख को धोना है, इसके अलावा आप आइस बैग को अपने आँख पर रख के आँख को सिकाई करना है। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके घर में आलू हो, आलू का स्लैक्स बनाकर, इसके साथ ही आप खीरा के भी स्लैक्स बनाकर, और उस दोनों स्लैक्स को अपने आँख पर रख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा अपने आँख को ठीक करने में। इसके साथ ही दोस्तों आपको विटामिन सी युक्त खाना जो है काफ़ी मात्रा में खाना है, ताकि आपका जो आई का हेल्थ है, आँखों का हेल्थ है, ये आपका बना रहे। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके पास कोई डॉक्टर है, आँख के डॉक्टर है, उससे आप संपर्क करके आई ड्रॉप भी ले सकते हैं, और आई ड्रॉप बहुत ही बेहतर काम करता है आँखों के लिए। जब आपको आई फ्लू हुआ हो, पिंक आई हुआ हो, इस तरीका से आप अपना जो आँख का जो हेल्थ है ये बेहतर बनाकर रख सकते हैं, और आई फ्लू आप डॉक्टर के सलाह से कोई आई ड्रॉप ले रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपका आई ठीक भी हो सकता है। यही दोस्तों, आपको कुछ चीज़ का परहेज भी करना पड़ेगा जब आपको आई फ्लू हुआ हो, पिंक आई हुआ हो, और आपका आँख आना आपको प्रॉब्लम हो, तो इस चीज़ को आप परहेज करें। जैसे आपको फ़ोन बहुत कम चलाना है, इसके अलावा टीवी बहुत कम देखना है, इसके साथ ही आप लैपटॉप का भी यूज करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में आप ये सब सारा जो गैजेट्स है, जो रेडिएशन वाला, उसको आप कम यूज किया कीजिए, ताकि जो आपका आँख है वो सुरक्षित रहे और आई फ्लू जल्दी ठीक हो जाए आपका। यदि दोस्तों आपको आई फ्लू हुआ है और इस सब सारे गैजेट को आप यूज कर रहे हैं, जैसे हम फोन, लैपटॉप और टीवी देख रहे हैं, तो आपका जो आई फ्लू है जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका जो आई फ्लू है ये इसमें दर्द भी होने लगेगा आपके आँख में, और जलन तो लाजमी है इसमें होना, क्योंकि रेडिएशन आप डायरेक्ट ले रहे हैं फोन से और आपका टीवी और लैपटॉप से। यदि दोस्तों आपको आई फ्लू हो गया है तो लाजमी से है कि आपका आँख में जलन होगा, दर्द भी होगा, और आपको टच करने का भी मन करेगा आँख को, क्योंकि उसमें गुदगुदी टाइप का थोड़ा सा होता है, तो ऐसे टाइम में आपको डायरेक्ट खुले हाथ से टच नहीं करना है अपने आँख को। इसके साथ आपको टिश्यू पेपर की यूज करना है, यहाँ पर टिश्यू पेपर की यूज करके, और उसको अच्छे जगह पर फेंकना है, ऐसे जगह पर जहाँ पर कि कोई मनुष्य का वहाँ पर पहुँचना हो, ऐसे जगह पर, क्योंकि इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए ये काम करना है। इसके साथ ही आप अपने रुमाल का यूज कर सकते हैं, गर्म पानी करके उसमें रुमाल को अच्छे तरीके से धोकर उसके साथ ही अपने आँख पर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन काफ़ी मात्रा में फैलेगा नहीं, और यहाँ पर इस चीज़ को देखना बहुत ही जरूरी है,
क्योंकि आप तो इन्फेक्टेड हैं ही, आपके फैमिली मेम्बर कोई इन्फेक्टेड ना हो, तो प्लीज़ ऐसा किया कीजिए ताकि दूसरे में ये जो डिजीज है ट्रांसमिट ना हो। इसके साथ ही दोस्तों आप अपने हैंड को बहुत अच्छे तरीके से साबुन से धोएं या हैंड वॉश से धोएं, इससे आपको इन्फेक्शन ना फैलाने में काफ़ी मदद मिलेगा। यदि दोस्तों आप कभी भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं इस टाइम में, जबकि आपका जो आई फ्लू है काफ़ी चरम सीमा पर है, और जब आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो उस टाइम आपको कुछ बात का ध्यान रखना है, जैसे मैं कभी कोई चीज़ टच कर रहे हैं, टच करने के बाद आप डायरेक्ट अनजाने ही सही आप अपने मुंह पर हाथ फेर लेते हैं, आप पर नाक पर कहीं पर भी हाथ फेर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से आप इन्फेक्शन आप लेकर आ सकते हैं अपने घर में, और खुद को तो इन्फेक्शन देंगे ही देंगे, अपने फैमिली वालों को भी देंगे। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सैनिटाइजर जो है उसको आप यूज करना है, और घर आते ही अपने हाथ को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना आई फ्लू से बच सके और अपना हेल्थ का ख्याल रख सके।